नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि SSC दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कांस्टेबल ऑनलाइन फॉर्म के बारे में। तो ये जो है, कैसे इसको आप ऑनलाइन फॉर्म ये फिलअप कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं, है ना। तो इसी के बारे में जो है हम आज बात करने वाले हैं। कैसे आपको फॉर्म भरना है, तो यहाँ SSC दिल्ली पुलिस का स्टाफ सेलेक्शन कमीशन यानी कि SSC न्यू दिल्ली रीजनल, है ना। तो इसका पोस्ट डेट जो था वो है आपका 1 अगस्त 2020 से शुरू है। आपका यहाँ देखिए लिखा हुआ है, शॉर्ट इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है आपका, न्यू दिल्ली एंड रीजनल ऑफ पैन इंडिया आर रिसेंटली इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दिल्ली पुलिस एग्जीक्यूटिव कॉन्स्टेबल रिक्रूटमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल इन दिल्ली पुलिस। दोज कैंडिडेट्स आर इंटरेस्टेड टू फॉलोइंग वैकेंसी कैन अप्लाई ऑनलाइन, है ना। तो इसको जो है आप अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। तो यहाँ देखिए, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, है ना, इसका फिर दिल्ली पुलिस इस तरीके से जो है इम्पोर्टेंट डेट देख लीजिए आप लोग। यहाँ पर यहाँ दिया हुआ है इम्पोर्टेंट डेट है आपका 1/8/2020, यानी कि 1/8 अगस्त से, और लास्ट डेट आपका है इसका यहाँ पर 7/9/2020 तक जो है इसका लास्ट डेट है। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हैं ऑनलाइन फी पेमेंट लास्ट डेट। तो इसका ऑनलाइन फी लास्ट डेट है आपका 9/9/2020 को इसका लास्ट पेमेंट देने का डेट है। ऑफलाइन आप दे सकते हैं इसका है 14/9/2020। ये ऑफलाइन मतलब जाकर के आप पैसा जमा करवा सकते हैं। फिर ऑनलाइन एग्ज़ाम का डेट है 27 नवंबर 2020 को से लेकर के 14 दिसंबर 2020, ये इसी दोनों के बीच में मतलब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम भी हो सकता है। फिर एडमिट कार्ड जो है आपको पहले मिल जाएगा, नवंबर में मिल जाएगा, नवंबर के महीना में 2020 में मिल जाएगा। फिर एप्लीकेशन फीस जो लगेगा आपको जनरल और OBC को लग जाएगा आपका 100 रुपया। इसके बाद फिर SC और ST को नहीं लगेगा, फीमेल एंड ऑल कैंडिडेट्स नहीं लगेगा। फिर एग्जामिनेशन फी थ्रू डेबिट कार्ड आप जमा कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और फिर एग्जाम फी SBI चलन मोड के द्वारा भी आप जो है जमा करवा सकते हैं। इसके बाद फिर जो है एज लिमिट आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, मैक्सिमम मिनिमम जो है 18 साल से ऊपर होना चाहिए और मैक्सिमम मतलब 25 साल तक जाना चाहिए। तो यही लोग जो है अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो है वैकेंसी का डिटेल दिया हुआ है। टोटल 5,846 पोस्ट जो है आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो पोस्ट का नाम है आपका कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस। तो यहाँ मेल के लिए है 3,902 और फीमेल के लिए 1,944। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर मेल और फीमेल दोनों का ही दिया हुआ है, वैकेंसी खाली है। और एलिजिबिलिटी है आपका 2 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया। इसका फिर मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस एंड कैरी वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस। इसके बाद फिर हो गया आपका मोर डिटेल काइंडली सीधा फुल नोटिफिकेशन। तो इस तरीके से जो यहाँ पर मेल और फीमेल का भी पोस्ट दिया हुआ, कितना वैकेंसी खाली है, मेल लोग के लिए 3,900 और फीमेल के लिए 2,000 के आसपास, यानी कि 1,944 करके। एज लिमिट आप देख लीजिए यहाँ पर 18 से 25 तक के बीच के लोग जो है इसको अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है यहाँ पर कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल, इसका फिर कॉन्स्टेबल मेल जो है वो जनरल, फिर यहाँ पर आप दे सकते हैं कौन कौन लोग कैसे मतलब डाल सकते हैं। तो यहाँ EWS के लिए जो है 381 है, फिर OBC के लिए 736 है, SC के लिए 709, ST के लिए 208। तो इस तरीके से जो है 3,902 आ जाता है टोटल।
फिर फीमेल के लिए है जनरल में 933, फिर EWS के लिए 202, OBC के लिए 387 हो गया, फिर SC के लिए 328, फिर ST के लिए 94, इस तरह से 1944 हो जाता है। फिजिकल एलिजिबिलिटी है जो जनरल के लिए है वो जनरल हो गया, मेल फीमेल, मेल के लिए होना चाहिए जो OBC और जनरल में आते हैं वो सब, उसका हाइट जो है 170 के आसपास होना चाहिए। उसके बाद फिर SC हो गया, उसका भी 170 होना चाहिए, जो ST है उसका हाइट होना चाहिए लगभग 165, फिर चेस्ट होना चाहिए 81 से 85 के बीच में होना चाहिए, फिर चेस्ट हो गया, SC का चेस्ट होना चाहिए लगभग 81 से 85 के आसपास, फिर चेस्ट होना चाहिए ST लोग का 76 से 80 के आसपास, और रेस 100 मीटर, ये कि ये जो है 6 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, लॉन्ग जंप हो गया 14 फिट, हाई जंप 3.9। तो इस तरीके से जो है दिया हुआ है, आप यहाँ देख सकते हैं फीमेल को लेकर वैसे भी दिया हुआ है, हाइट होना चाहिए 157 हो गया, फिर SC हाइट फीमेल के लिए 155 हो गया, हाइट 156, इस तरह से जो है यहाँ दिया हुआ है। फिर यहाँ जो है आप देख सकते हैं रेस के लिए 8 मिनट में 1600 मीटर जो है आप लोग को कम्प्लीट करना पड़ेगा इसका, फिर 10 फिट लॉन्ग जंप और फिर जो है हाई जंप 3 फिट। तो यह इस तरीके से जो है यहाँ पर फिजिकल एजिबिलिटी दिया हुआ है। इसके बाद फिर जो है आपको कैसे भरना है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन SSC एंड दिल्ली पुलिस आर रिलीज नोटिफिकेशन ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर कांस्टेबल रिक्रूटमेंट, कैंडिडेट की अप्लाई बिटवीन 1 तारीख से 1/8/2020 से लेकर 7/9/2020 तक के बीच में जो है आपको फॉर्म को जमा कर देना है, भर देना पड़ेगा। तो ये सब जो है आप देख लीजिएगा, हम आपका इसका सारा डिटेल जो है कैसे भरना है इसका जो है लिंक हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ ये जो है PDF है, इसको भी लिंक जो है हम आपको नोटिफिकेशन में आप जाके चेक कर सकते हैं ना, यह सब यहाँ भी सब कुछ दिया हुआ है, यहाँ से भी आप ये PDF डाउनलोड कर लीजिएगा, इसका फिर इसको पढ़ लीजिएगा, इसके हिसाब से जो है आप फॉर्म को भी भर दीजिएगा। यहाँ सब कुछ दिया हुआ है ना, आप यहाँ देख सकते हैं कौन कौन कहाँ कहाँ पर ये जो है जमा कर सकता है, भर सकता है। देखिए यहाँ दिया हुआ सब कुछ दिया हुआ, क्या क्या पढ़ना है, क्या नहीं, क्या है, क्या कब क्या एग्जाम होगा, एलिजिबिलिटी क्या क्या लगेगा, सारा का सारा डिटेल जो है इसमें यहाँ दिया हुआ है। इसके बाद जो है SSC कमीशन, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ये ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लॉगिन कर सकते हैं आप, यहाँ पर जो है यहाँ लॉगिन और पासवर्ड, पहले जो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा है ना, यहीं पर जो है आपको अप्लाई करना पड़ेगा, एडमिट कार्ड सब कुछ यहीं पर आपको मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है SSC.NIC.IN, तो इसी वेबसाइट पर जाइएगा तो यहीं पर आपको जो है सारा जो है इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ पर से जो है आप चेक करके जो है यहाँ जा सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं, है ना। आपको यहाँ रजिस्टर करना पड़ेगा, यहाँ देखिए यहाँ रजिस्टर लिखा हुआ है, इसमें क्लिक कीजिएगा तो देखिए यहाँ पर रजिस्टर करना है, इस तरह से यहाँ जो है आपको रजिस्टर करना पड़ेगा इस तरीके से, डू या आधार कार्ड यस इस तरह डाल कीजिएगा, नाम हो गया, वेरीफाई नेम हो गया, सर फादर्स नेम मदर्स नेम इस तरह करके करके जो है इसमें आपको यहाँ पर सेव कर लीजिएगा, तब जाकर फिर आप जो है आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी तरीके से जो है आप यहाँ पर ये स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में जो है आप अपना ऑनलाइन फॉर्म जो है जमा कर सकते हैं, और ये वाला जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, ये PDF जो है हम आपको दे देंगे डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी तरह से मैं आपके लिए ही ये ऑनलाइन एग्जामिनेशन या फिर इस तरह का एग्जामिनेशन की वीडियो जो है जानकारी आपको देता रहूँगा, और आप जो है यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इस तरह से अच्छी अच्छी वीडियो मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।